ओम शांति। 5/4/2022 के शिव बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, सपूत बनने के लिए जो भी हमारी झूठ बोलने की, चोरी करने की, छिपाने की आदतें हैं, तो बाबा ने कहा उन सबको मिटा देना है, ख़त्म कर देना है। जितना योग बल होगा उस बल से हमारी ये पुरानी आदतें छूटती जाएंगी। साथ साथ बाबा ने कहा कि जो भी आपके पास पुराना है बाबा को इंश्योर कर दो, ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है, तन मन धन जन। तन बाबा की सेवा में लगाते हैं तो तन शक्तिशाली बनता है, अथक बनता है, निरोगी बनता है, और मन बाबा को याद करता है। बाबा की सेवा में, मनसा सेवा में लगाते तो मन पावरफुल बनता है, मनमना भाव रहता है, और धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो धन बढ़ता है, ज्ञान धन भी बढ़ता है, वो भी धन है, जितना बांटो उतना बढ़ता है, और स्थूल धन भी ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं वो भी बढ़ता है। जन परिवार को कहाँ ना कहाँ किसी न किसी प्रकार से बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनाते हैं तो वह भी एक दिन योगी बन जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो सुनते हैं बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। सॉरी, बाप टीचर सतगुरु तीनों को याद करना सहज होना चाहिए। क्वेश्चन, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? आंसर है, यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य बल बूढ़ा हो जाए लेकिन उसमें जो विकार हैं, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है कौन? बाबा। माया रावण से छुड़ाने के लिए बाप ही समर्थ है जो हमें छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया है, ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो, इसलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं, योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है। याद करना पड़ता है फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही संबंध से एक बाप को याद करते हैं। तीनों का नाम एक ही शिव है।
परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। उनका नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही है। एक ही बुद्धि में आता है, बाप टीचर सतगुरु ज्योतिबिंदु रूप, और है भी एक ही। बाप रूप में पालना करते हैं, टीचर रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु के रूप में रोज बच्चों को वरदान देते हैं। उन्हों का नाम रूप अलग अलग। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार हैं और नाम शिव हैं। बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती हैं। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत समय तक चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता, तुम भी जानते हो। हम विश्व के बादशाह ही का वर्षा ले सकते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहते कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जलाते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। ऐसे नहीं कि वो बिरादरियाँ निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाप तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वो कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना ही है। उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है। यह भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे, फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती रहती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्रायलोप है। हैं सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं हैं। पवित्रता के बिगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बनी हो, ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का। उनमें भी मुख्य हैं आठ, बाकी तो वृद्धि होती जाती है।
जो मम्मा बाबा का बनेंगे कुछ सुनेंगे तो वह आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं व ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो महत्त्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है ही नहीं, ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठीक कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं, तो बाप समझाते हैं आत्मा स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं, जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके, समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, इतनी छोटी चीज की देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति कुई है बातें। बाप ने बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है, परंतु जानते नहीं कहाँ आया हुआ है, भगवान कौन है, पर ये कहते हैं आया हुआ है। अगर गीता का भगवान कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। अब हम सिद्ध कर सकते हैं आया हुआ है तो कृष्ण है, वो तो देहधारी है, छिपेगा नहीं। तो अवश्य परमात्मा निराकार हैं। जिस निराकार परमात्मा को कोटों में को में भी कोई ही पहचान पाते हैं, यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं ब्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे व रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को। बाप कहते मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है ब्रह्मा कौन है। तो बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदी गण से आकर इस नंदी गण में आकर के नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौ मुख ही दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं, राइट क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौ मुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, नंदीगण को बैल दिखाते हैं, यह है मेल तो बरोबर है। ब्रह्मा बाबा जिसके तन में शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आते हैं, मनुष्य है, अगर गऊ कहें वह माता भी तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ब्रह्मा के तन से शिव बाबा ब्रह्मा कुमार कुमारी अडॉप्ट करते हैं तो माता भी हो गई, और मेल का चोला है तो पिता भी हो गया, तो मात पिता दोनों ब्रह्मा बाबा हो जाते हैं। तब कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। निराकार शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा मात पिता बनते हैं।
तो बाबा बता रहे राइट कुछ भी बताते नहीं, ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं, ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा, और कोई गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और साथ ले जाने आया हूँ। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है, यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं, उन्हों को ये पता नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने, तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती तो विकार जरूर होंगे, भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत हैं, क्रोध बूढ़ा नहीं होता, आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर मित्र हैं, विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है, विष से पैदाइश होती है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए, विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है, बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो, जिसको इंश्योर करना होगा आप ही करेंगे, भाग्य बनाना है आप ही बनाएंगे, हम मांगे हमको ये दे दो, ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो, तो मांगने से मरना भला। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये आदतें मिटा दो, भक्ति में भी अज्ञान काल में भी यही करते आए, चोरी करना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह और मांगना, अब ये आदतें गंदी हैं, इन सबको छोड़ दो, मैं दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो, जिसको इंश्योर करना होगा आप ही करेगा, कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं, बहाना बाबा का करेंगे, लेंगे अपने लिए, तो बाबा ने कहा ये ऐसा कुछ भी मांगो नहीं, समझाना है, इंश्योर करना है तो भल करो। एक जो बाबा का नियम है यज्ञ का, यज्ञ में करें, सब भंडारी में डालें, हम क्यों मांगे, हम ही क्यों दें। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिनको दान कहा जाता है उसका फल भी बाप देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परम पिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है, कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया इसलिए धन नहीं मिलता। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं ये भगवान ने दिया है, भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो, मात पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता ही नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ,
जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट है, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो। हमारे अंदर माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भाव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको क्यों खुश नसीब हैं, भगवान ने स्वयं आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। सोचिए जरा कितना नशे की बात है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही सदा नशा रहे तो अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो बाबा ने साधन दिए हैं, बाबा की बदौलत ही सब कुछ मिला है। साइंस के साधन यूज अवश्य करो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए करो, अपने प्रति नहीं। अमृत पीले की पॉइंट है, हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना, बाबा के प्यार में समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वो सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है, पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वो समीप आते हैं बाहर की रीति से। चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक की तरफ सामने वाली स्वच्छ आत्मा ही होती हैं। मन की स्वच्छता, पवित्रता, जरा भी कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं। मैं आत्मा पवित्र हूँ, स्वच्छ हूँ और मैं आत्मा सतु प्रधान बनने वाली दिव्य गुण थारी। ऐसी आत्मा ऑटोमेटिकली बाप के समीप जाती है। बाबा चुंबक है, उसमें जाकर के चिपक जाती है, अर्थात बाप के लव में लीन हो जाती है। ओम शांति।